आप लोग पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या शायरी की शादी हो रही है? क्या अशु की नौकरी लग गई? अरे ना तो इतने अच्छे नसीब हमारे हैं कि पापा की नौकरी लग जाए और ना ही इतने अच्छे नसीब शायरी की शादी हो जाए। तो फिर जल्दी बताओ ना, इतना सस्पेंस क्यों फैला रहे हो? अरे पापा बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं इस घर में। हाँ, अशु और बारबेक्यू पार्टी नामुमकिन। अरे तुम्हारे पापा ने तो आज तक घर वालों को कोई ट्रीट नहीं दी, बारबेक्यू पार्टी कहाँ से करेंगे? अरे मुझे तो इसमें भी तुम्हारे बाप की कोई दो नंबर ही नजर आ रही है। अरे कुछ हो ना हो कम से कम घुमान तो अच्छा रख लेना। हाँ भाई क्या हो रहा है, तमाम फैमिली बैठी हुई है, मेरा इंतजार हो रहा लग रहा है। अरे आप वहाँ से कहाँ से आ गए? खिड़की से। तुम भी तो जो हम स्विमिंग पूल के बाद बकरा लेके खड़े थे खिड़की से आए थे, हमने तो कुछ नहीं बोला था। और भाई तुम लोग बताओ क्या हो रहा है? अशु आप क्या बारबेक्यू पार्टी रख रहे हैं? हाँ बॉयज का सीन है, जरा हल्ला गुल्ला हो जाएगा, गेट टुगेदर होगा। अच्छा चलो भाई, बहुत दिनों के बाद घर में हल्ला गुल्ला होगा, मेरा भी दिल लग जाएगा, गप्पे शप्पे करूंगी मैं भी। या तो तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है या तुम्हारे कान खराब है। बॉयज का मतलब होता है लड़के, सिर्फ लड़कों का सीन है, किसी की बीवी नहीं आ रही। वैसे आपका एज ग्रुप ना बॉयज से काफी आगे जा चुका है। जी मुझे पता है आगे चला गया है, लेकिन इंटरनेट पर जब हम जैसे लोगों की मीम बनती है तो दी बॉयज लिखा हुआ आता है, दैट्स व्हाई आई कॉल मायसेल्फ दी बॉय। अच्छा ये बताएं कि ये बारबेक्यू का गोश्त कहाँ से आ रहे हैं? गोश्त है वो क्योंकि क्लोज सर्कल है ना फ्रेंड्स का, सबके घर में कुर्बानी हुई है तो सब अपने अपने घर से गोश्त लेकर आ रहे हैं मैरिनेट किया हुआ, मैं तो उसे जगह प्रोवाइड कर रहा हूँ बारबेक्यू के लिए। बस 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 बस। अच्छा ठीक है तो फिर मैं चेक करूंगी। क्या चेक करूंगी बॉयज को? अबे तुम्हारी बीवी की गलती है, उसने गलत जगह पहुंच लिया, उसको बोलो बात कंप्लीट। अरे बेगम जल्दी से बात कंप्लीट करें ना। अरे मैं गोश्त चेक करूंगी कि कौन लेकर आ रहा है और कौन नहीं। नहीं 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 ये बहुत इंसल्टिंग है, मैं अपने दोस्तों की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है फिर मैं सारे लॉन में पानी खोल दूंगी ताकि कोई बारबेक्यू ना हो। क्या कह रही है ये? पापा बेगम ने कहा तुम बात तो आपको माननी पड़ेगी। ठीक है तुम चेक कर लेना गोश्त, और तुम्हें भी जो कुछ चेक करना है तुम भी चेक कर लेना। और फिरोज बेटा तुम तो मुझे रात में मिलो, तुम्हारा शक को मैंने यकीन में ना बदलाना तो मेरा नाम भी हेलमेट। अब उठो सारे यहाँ से और दफा हो जाओ। अरे हम क्यों दफा हो, आप आए थे, हम तो पहले से बैठे हुए थे। सॉरी मैं जाता हूँ। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं, आप तो यहाँ से आए थे ना। चल के आया था शिकार पट गई थी इसलिए सीढ़ियों से जा रहा हूँ। क्या कह रहे थे कान में फुसफुस? अरे कुछ नहीं कह रहे थे। अरे कुछ तो कह रहे थे। अरे कुछ नहीं कह रहे थे, मैं कह तो रहा हूँ। अरे मैंने कुछ सुना, खुश खुश कर रहे थे। अरे शलवार फटी हुई उनकी, बस इतनी सी बात थी। फिर तू बाहर निकल, खुदा की कसम मैंने तुझे कहा था किसी को नहीं बताना, अब तू बाहर आ फिर मैं तुझे बताता हूँ। आ जरा प्लान ये है कि सारा गोश्त हम अभी गायब करके मैरिनेट करके लाला के फ्रीजर में रखवा देंगे। लाला वो गोश्त पतीले में डाल के गैस को देगा, गैस वो लेकर आएगा, मैं किरण को चेक करा के अंदर कर दूंगा, गैस वो पतीला लाके तुम्हें देगा, तुम दीवार पे बैठे रहना, जैसे ही पतीला मिलेगा वो पतीला लाला को दे देना, लाला वो दूसरे गैस को देगा, दूसरा गैस लेकर आएगा, इस तरह एक एक करके सारा गोश्त अंदर पहुंच जाएगा और किरण को पता भी नहीं चलेगा। क्या बोलते हो? डब्बा यस वो तो ठीक है अश्मत चाचा, लेकिन मैरिनेट क्या होता है? मैरिनेट जो होता है आप क्या करोगे जान के मैरिनेट क्या होता है? ठीक है आपने दिमाग पे जोर ना डालो, आप ये काम करो, ये बादाम खाओ, बादाम खाते बैठो, शाबाश निकलो। सर से गुजर गया हमारा। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बादाम खाओ बादाम खाओ। एक से एक बेवकूफ है, चीकू का बीज दिया बादाम बोलकर ले गया, अब खाएगा तो कड़वा कड़वा लगेगा पागल। क्या करो